उज्जैन के देवास रोड पर नागझिरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवक का शव मिला हुआ था कुएं के पास और मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान थे। नागझिरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच कर रही थी। उसी दौरान पुलिस को सफलता मिली जांच में कि युवक की हत्या हुई है। वही हत्या की वजह से पुश्तैनी जमीनी विवाद, जिसकी वजह से युवक की हत्या की गई है, बेहद ही प्लान तैयार करके पुलिस ने इस हत्या में लिप्त तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। हत्या करने वाले युवक तीनों मृतक युवक के रिश्तेदार हैं जिन्होंने हत्या की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह और सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि इन हत्या में लिप्त युवकों से हथियार जब्त कर लिए हैं, साथ ही इन पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किए गए हैं और हत्या की वजह पुश्तैनी जमीन है। मृतक की लाश कुएं में मिली थी, उससे पहले उसके भाई द्वारा गुमशुदगी नागझिरी थाना क्षेत्र में दर्ज कराई थी। जब ये लाश कुएं से मिली तो उसके ऊपर चोटों के निशान थे, जिस पर हमने काम किया तो पता चला कि एक माह पूर्व उसके चचेरे भाई और जीजा के साथ जमीनी विवाद था। जब ये लोग पार्टी करने उस दिन आए थे एक दिन पहले, तब इनके बीच में विवाद हुआ और उसी दौरान इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। इसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्कुल हो चुकी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।